ठेके को निरस्त करवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सरवाड़ में नगर पालिका में हुए 8 करोड़ के ठेके को निरस्त करवाने की मांग को लेकर आज बीजेपी पार्षदों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी प्रतिपक्ष नेता प्यारे लाल खटीक ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि नगर पालिका ने 8 करोड़ के ठेके जारी किए हैं, जबकि राज्य स्तर द्वारा जारी नियमों के अंतर्गत नगर पालिका स्तर पर यह कार्य नहीं किया जा सकता है। जबकि इस निविदा में 40 में से 18 कार्य 2.5 लाख से अधिक के हैं, जिसका अधिकार अधिशाषी अधिकार व पालिका अध्यक्ष को ठेका करने का पावर नहीं होता है। भ्रष्टाचार करने व अपने चहेते ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की नियत से ही बिना बोर्ड के अनुमति के ही 8 करोड़ के ठेके जारी किए गए, जिनको निरस्त करना आवश्यक है। सरवाल में आए दिन लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिनकी पूर्व में भी हमने कई बार शिकायतें करी है, लेकिन प्रशासन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज हम एक 8 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर उपखंड अधिकारी महोदय के पास आए हैं। उक्त टेंडर अध्यक्ष महोदय, कुछ पार्षद लोग, अधिशासी अधिकारी बिना प्रक्रिया किए हुए, बिना किसी टेंडरों की कॉपी लिए हुए अपने चहेते ठेकेदारों को ये देना चाह रहे हैं, जिससे नगर पालिका को लाखों रुपए की राजस्व हानि हो रही है। और बार बार हम अतिक्रमणों को लेके सरकारी भूमियों पे आए दिन भू माफिया कब्जे कर रहे हैं, इसको लेके हमने प्रशासन को पूर्व में भी कई बार अवगत कराया है। और अभी हाल ही में आज दैनिक नवज्योति अखबार में इस खबर का खंडन, खबर को छापी गई थी, इसमें हमारे भाजपा पार्षदों को कहा गया कि कुंभकर्ण की नींद सो रहे। हम तो बार बार आए दिन लगातार, चाहे SDM ऑफिस हो, चाहे अधिशासी अधिकारी हो, चाहे जिला कलेक्टर महोदय हो, सबको शिकायतें कर रहे हैं। प्रशासन अगर कुंभकर्ण के कोई नींद सो रहा तो यहाँ का प्रशासन सो रहा, यहाँ के स्थानीय नेता छोड़ रहे जो यहाँ कैकरी विधानसभा को छोड़ के बाहर हैं, और यहाँ कोई सुध लेने वाला नहीं है कुंभकर्ण के नींद, तो यहाँ का प्रशासन सो रहा। हम भाजपा के पार्षद हम तो आए दिन यहाँ विपक्ष की आवाज़, जनता की आवाज़ उठा रहे हम लोग। तो मेरा श्रीमान से आज यही निवेदन है कि हम बार बार उक्त ऐसे जो फर्जी टेंडर हो रहे हैं, भ्रष्टाचार जो नगर पालिका सरवाल के अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष जो कर रहे हैं, इन पे उचित कार्रवाई करें, हमारी बातों को ज्ञान संज्ञान में लेवें। और हाई मास्क लाइट का क्या, हाई मास्क लाइटों का भी ये अपने चेते ठेकेदारों को जो 1 करोड़ रुपए के ठेकेदार है, 50% कमीशन उक्त टेंडरों में अपने मिलीभगत करते हुए बिना किसी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा या किसी नगर पालिका की बोर्ड के बिना। सबसे बड़ी बात तो मैं बताना चाहूँगा कि 2.5 लाख से अधिक के कार्य अधिशासी अधिकारी या चेयरमैन नहीं कर सकते हैं, इससे अधिक कार्यों के लिए सदन को अवगत कराना पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने इतनी हठधर्मिता अपना रखी है, इनकी मनमर्जी देखी है, ये लोग इतने तानाशाह हो रखे हैं कि इनको बोर्ड की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। 50-50 लाख के टेंडर आए दिन बिना बोर्ड की अनुमति के निकाल देते हैं। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि इन सभी कार्यों की जांच की जाए, उच्च स्तरीय उच्च तकनीकी द्वारा इनकी जांच कराई जाए, और इनका जब तक भुगतान नहीं किया जाए, जब तक कि इनकी उच्च तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा या भ्रष्टाचार विभाग द्वारा इनकी जांच नहीं की जाए।